नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 17 अगस्त 2013 को गुजरात के गांधीनगर में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल एक लौह पुरुष थे, किसान थे और उन्होंने देश को एकता के लिए अविरल देश की एकता के लिए काम किया और हम भी पूरे हिंदुस्तान को जोड़ना चाहते हैं, किसान को जोड़ना चाहते हैं और लौह पुरुष का स्मरण करवाना चाहते हैं। ग्रामीण विकास की जब जब चर्चा आती है तो महात्मा गांधी का स्मरण होना बहुत स्वाभाविक है। महात्मा गांधी की विदाई के इतने वर्ष हो गए, उसके बाद भी मैं अनुभव से कह सकता हूं कि ग्रामीण विकास में पूज्य बापू का जो दर्शन था वो आज भी 100% प्रस्तुत है, रेलेवेंट है। अगर हम आग्रह पूर्वक पूज्य बापू ने जो ग्राम राज्य की, ग्राम स्वराज की कल्पना की थी, उसको लेटर एंड स्प्रिट में अगर लागू कर पाए होते तो शायद ग्रामीण विकास के क्षेत्र में हम शहरों से भी बहुत आगे निकल जाते। आज हम जिस जगह पर बैठ करके चिंतन कर रहे हैं, ये स्थान है महात्मा मंदिर। गुजरात जब अपनी गोल्डन जुबिली ईयर को मना रहा था तब गांधीनगर में गांधी के नाम से कोई एक व्यवस्था विकसित हो, उसमें से ये महात्मा मंदिर विचार का जन्म हुआ। जिस कक्ष में आप बैठे हैं और इसका जो एक हिस्सा है पूरा, किसी भी हिंदुस्तानी को गर्व हो ऐसी इसमें घटना जुड़ी हुई है। इसका पूरा निर्माण सिर्फ 180 दिन में पूरा हुआ था, 180 डेज। हमारे देश में इसको मिरेकल माना जाए, लेकिन इस बात का सबूत है कि भारत के सामान्य मानव के अंदर कितना सामर्थ्य पड़ा है। अगर सही तरीके से उस सामर्थ्य को काम में लाया जाए तो कितना बड़ा परिणाम दे सकते हैं। वरना 180 दिन में घर की दीवार भी हमारे देश में बनाना दिक्कत जाती है। इतना बड़ा स्मारक 180 दिन में बना है और मैं आपसे आग्रह करूंगा, मैं इस पूरे स्मारक के इस हिस्से की बात कर रहा हूं। पूरा स्मारक तो बहुत बड़ा है और इसकी दूसरी विशेषता यह है, जब इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ तो जमीन में हमने ईंट रखने से पहले गुजरात के सभी गांवों से सरपंचों को बुलाया और उनसे आग्रह किया कि आप गांव की पवित्र मिट्टी और गांव का पवित्र जल लाकल में इसमें डालिए। हमने सभी राज्यों से प्रार्थना की थी, वहां की पवित्र नदी का जल और उस राज्य की मिट्टी। हमने दुनिया के उन सभी देशों में प्रार्थना की थी जहां कोई कोई हिंदुस्तानी रहता है, वहां की पवित्र नदी का पवित्र जल और वहां की मिट्टी एक प्रकार से इस भवन के नीचे जमीन में हिंदुस्तान के सभी राज्यों का, गुजरात के सभी गांवों का, दुनिया के सभी देशों की पवित्र मिट्टी और जल इसमें समाहित है। क्योंकि गांधी एक विश्व मानव थे और इसलिए उनकी स्मृति में महात्मा मंदिर बन रहा है। तो विश्व का भी किसी न किसी रूप में इसके अंदर कोई कोई जुड़ाव होना चाहिए, उस कल्पना को साकार करने का हमने प्रयास किया। उसी प्रकार से अभी आपने एक फिल्म देखी, सरदार पटेल स्टैच्यू हम बनाने जा रहे हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू बनेगा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से इसकी ऊंचाई 2 गुना ज्यादा होगी और सरदार पटेल 3 बातों से हम कभी भी भूल नहीं सकते। वे एक लौह पुरुष थे,
वे किसान थे और उन्होंने देश की एकता के लिए अभिगिरत काम किया था और इसलिए उस स्टैच्यू का नाम दिया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, देश को एक किया हुआ। सारे राजा महाराजाओं को हिंदुस्तान की मुख्य धारा में ला दिया। जो किसान थे, महात्मा गांधी के आंदोलन में किसानों को जोड़ने का बहुत बड़ा काम उन्होंने किया था। बारडोली का सत्याग्रह आज भी दुनिया में मशहूर है और वे लोह पुरुष थे, वो मक्कम निर्धार करने वाले महापुरुष थे और इसलिए सरदार पटेल स्टेच्यू का निर्माण होगा, उसमें भी हम पूरे हिंदुस्तान को जोड़ना चाहते हैं, किसान को जोड़ना चाहते हैं और लोह पुरुष का स्मरण दिलाना चाहते हैं। और इसलिए तय किया है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनेगा, उसके पूर्व हिंदुस्तान के सभी गांवों से हम लोहा दान में मांगेंगे, हर गांव से एक पीस। 7 लाख गांव है, 7 लाख गांवों से 7 लाख लोहे का टुकड़ा मांगेंगे। लेकिन लोहा वो नहीं, कोई कहे कि हमारे गांव में बहुत पुरानी तलवार है ले जाओ, नहीं। कोई कहे हमारे गांव में तोप है ले जाइए, पूरा सरदार साहब का स्टैच्यू एक ही तोप से बन जाएगा, नहीं। हमें तो वो लोहा चाहिए जो किसान ने अपने खेत में खेती करने के लिए औजार के रूप में उपयोग किया है उसका टुकड़ा चाहिए, क्योंकि वो किसान थे, क्योंकि वो लोह पुरुष थे, क्योंकि हिंदुस्तान की एकता का काम किया था, इसलिए 7 लाख गांवों से लोहा इकट्ठा करके उसको हम मेल्ट करके फिर उसका उपयोग पूरे प्रोजेक्ट में हम करना चाहते हैं, ताकि हर हिंदुस्तानी को लगे इतने बड़े भव्य स्मारक में कहीं ना कहीं मेरा गांव भी उसमें मौजूद है। ये एक राष्ट्रीय एकता की भावना जगाने का प्रयास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साथ हम कर रहे हैं। 31 अक्टूबर के बाद गुजरात के सभी गांवों तक हम पहुंचने का प्रयास करने वाले हैं, सभी राज्यों से हम मदद मांगने वाले हैं, हर गांव के लोगों से मदद मांगने वाले हैं और उसके माध्यम से एक महान कार्य भारत माता के चरणों में समर्पित करने का हम लोगों का प्रयास है। महात्मा गांधी ग्रामीण स्वराज्य के लिए, ग्राम राज्य के लिए बहुत ही दीर्घ दृष्टि के साथ हम सबका मार्गदर्शन किया था। गांधी का आग्रह रहता था गांव में सफाई, गांव में शिक्षा, गांव में आरोग्य, गांव में अस्पृश्यता से मुक्ति, गांव में रोजगार, स्वावलंबन, ये मूलभूत बातें थी जो महात्मा गांधी ने लगातार हमें कही थी। आज भी हम गांधी की इन बातों को लेकर के चले और उसी को अगर बल दें, तो मैं नहीं मानता हूं कि गांव से लोग शहर की ओर जाने के लिए कभी सोचेंगे, ऊपर से शहर से लोग गांव की तरफ जाने की दिशा में प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हमने गांवों को अधिकार देने पड़े, गांवों को हमने आर्थिक निर्णय की प्रक्रिया में जोड़ना पड़ेगा और मुझे हमारे यहां गुजरात में पहले ग्राम पंचायत को कुछ खर्चा करना होता था तो काफी समय चिट्ठी छपाने में चला जाता। हमने निर्णय किया कि 5 लाख रुपए तक कोई भी काम करना है तो ग्राम सभा खुद तय करें और आगे बढ़े, उसको ऊपर जाने की जरूरत नहीं, इधर पूछो उधर पूछो और गांव वाले सही करेंगे। हमारे यहां ट्राइबल गांवों के लिए हमने छोटा सा निर्णय किया, गुजरात पैटर्न के नाम से आज भी वो पूरे देश में प्रसिद्ध है और जहां जहां पर ट्राइबल इलाके के गांवों का विकास की बात होती है तो गुजरात पैटर्न को एक मॉडल के रूप में, एक मानदंड के रूप में लिया जाता है। उस गुजरात पैटर्न के अंदर हमने बजट ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट के लिए अलग से दिया है और हर ट्राइबल विलेज के अंदर कमेटियां बनाई है।
उन कमेटियों को कहा कि आप निर्णय करो आपको गांव में क्या चाहिए। गांधीनगर में बैठ करके अगर हम निर्णय करते हैं, हम सोचते हैं कि ये बनाएंगे, गांव वाला कहता है कि हमें इसकी जरूरत नहीं, हमें उसकी जरूरत है, फिर सरकार कहती नहीं हमने तो निर्णय कर लिया आपको यही करना होगा, और उसके कारण काम होते नहीं है, काम उलझ जाते हैं, पैसे पड़े रहते हैं या तो बेकार चले जाते हैं। हमने गांव वालों को अधिकार दिया ट्राइबल बेल्ट के अंदर, और हमारा अनुभव यह रहा है कि ट्राइबल बेल्ट की उस ट्राइबल की कमेटी के माध्यम से विकास के जो काम तय होते हैं वो सचमुच में उनके लिए जो आवश्यक होते हैं वही काम को पसंद करते हैं, और पूरे गांव को पता होता है कि हमारे गांव में ये काम होने वाला है, और इसलिए ट्रांसपेरेंसी की गारंटी रहती है, हर किसी की नजर रहती है कि गांव में क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, जितने रुपये दिए गए उस प्रकार से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इसलिए पाइप पाई का उपयोग होता है। और पिछले 10 वर्षों में मैं कह सकता हूं ट्राइबल विलेजेस के डेवलपमेंट में लाखों काम अरबों खरबों रुपयों के खर्च से गांव के उस ट्राइबल कमेटी के माध्यम से हुए हैं। टोटल डिसेंट्रलाइजेशन, उनको गाइडलाइंस दिया, उनको करने के लिए कहा, उन्होंने करके दिखाया, और इसलिए ग्रामीण विकास में विकेंद्रीकरण को जितना हम बल देते हैं, जितने उनके सत्ताधिकार हम उन तक पहुंचाते हैं, जितनी जिम्मेवारी उन पर डालते हैं, उतने काम की गति भी बढ़ती है, परिणाम भी मिलता है। हमारे यहां भूकंप के बाद पुनर्निर्माण एक बहुत बड़ा पड़कार था, बहुत बड़ी चैलेंज थी। अगर हम गांधीनगर से बैठ करके ही सारे निर्णय करने जाते तो मैं नहीं मानता हूं कि इतनी बड़ी मात्रा में हम कुछ कर पाते, लेकिन हमने क्या किया, सबसे पहले हमने स्ट्रेटेजी तय की कि अगर भूकंप के बाद नॉर्मल सी लानी है, अगर एक बार स्कूल जल्दी से चालू हो जाए तो नॉर्मल सी लाने में सुविधा होगी, बच्चे स्कूल जाना शुरू हो जाए तो एक माहौल बदल जाए। तो पहले टेंट लगाओ, स्कूल चालू करो, फिर क्या किया, स्कूल के भवन तो टूट गए थे, बच्चों के पास किताब नहीं थी, कुछ बचा नहीं था। हमने ग्राम में कमेटियां बनाई, गांव की समितियां बनाई, गांव के 10-12 जो प्रमुख मुखिया लोग थे उनको बिठा दिया, उनको कह दिया कि स्कूल आपको बनाना है, ये डिजाइन है, ये पैसे हैं, मटेरियल बैंक बनाया, उस मटेरियल बैंक से उनको लोहा चाहिए, सीमेंट चाहिए, ईंट चाहिए, मिट्टी चाहिए, जो चाहिए मटेरियल बैंक से मिल जाएगा। मैसन्स चाहिए तो मैसन्स का ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया, का मैसन्स के ट्रेनिंग सेंटर में भेजिए आपके लड़कों को, मैसन्स का ट्रेनिंग हो गया, और गांव को बता दिया बस ये पैसे हैं आप पूरा करो। हमारा अनुभव ये रहा कि गांव के लोगों ने समय से पहले स्कूल का निर्माण किया, सरकार ने 3 कमरे सोचे थे उन्होंने 4 कमरे बनाए, हमने अगर 200 स्क्वायर मीटर में काम कहा था तो उन्होंने 250 स्क्वायर मीटर में किया और खुद के गांव की जमीन दान में दे दी, हमने 1 मंजिला कहा था तो उन्होंने 2 मंजिला बनाया। गांव के बच्चों के लिए इसलिए मजबूती में कोई कोताही नहीं बरती क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ था, उनका लगाव था। और मित्रों मैं आज गर्व से कह सकता हूं कि भूकंप में उनके खत के घर टूट चुके थे, खुद का सब कुछ बर्बाद हो चुका था, लेकिन उन गांव वालों को जब सामाजिक दायित्व दिया तो उन्होंने सरकार बनाए उससे 100 गुना अच्छी स्कूलें बनाई, सरकार बनाए उससे जल्दी बनाई। इतना ही नहीं, आज भ्रष्टाचार की इतनी चर्चा हो रही है, उस कालखंड में हर परिवार को कोई न कोई नुकसान हुआ था, हर एक को कोई न कोई मदद की जरूरत थी, उसके बावजूद भी गांव की उन कमेटियों ने स्कूल बनने के बाद जितने पैसे बचे थे वो पैसे सरकार में वापिस जमा करवाए। मित्रों ये छोटी घटना नहीं,